शराब घोटाले के बाद अब ये सेहत और शुगर घोटाला सामने आया है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जब उनका शुगर लेवल 2 है, लेवल 2 की उनको डायबिटीज है, उसमें ऐसी मीठी चीज को देखना भी पाप है। और अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूड़ी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीजें भेजी जाती हैं, तली चीजें भेजी जाती हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। जब बढ़ गया, वो रिकॉर्ड बन गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जी कि हमें बेल दे दीजिए, क्या है, हम बीमार हैं जी। आपको क्या बीमारी है जी? हमें शुगर हो गई है जी। तो जानना, जब ईडी ने बताया शुगर हो नहीं गई, अरे भाई ये तो शुगर वाली चीजें खा रहे हैं, ये तो जानबूझकर आम और तली हुई चीजें खा रहे हैं, पूड़ी छोले खा रहे हैं और मीठी चाय पी रहे हैं ताकि मेरी शुगर बढ़ जाए। तो वकील डर गए और फटाफट अपनी पिटीशन विड्रॉ कर दी। नहीं, हमें जमानत नहीं चाहिए, नहीं, रहने दो, हमें जमानत नहीं चाहिए। हम तो हैरान हैं, हर चीज में घोटाला, घोटाले में घोटाला, और घोटाले में अंदर जाने पे बाहर आने के लिए भी घोटाला। ये तो पहली बार देखा है कि मुख्यमंत्री का हार्डकोर क्रिमिनल कितना पेश आ रहा है जेल के अंदर। पर उनके सेहत को लेकर आप लोग भी काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि इनको इस केस में सजा होनी चाहिए, इनकी लंबी आयु हो, हम तो यही कामना करते हैं। दिल्ली वाले, इनका जो इन्होंने पाप किए हैं, उन पापों का अंत होते देखें, दिल्ली वाले इनको सजाएं होते देखें, पता चले। हम तो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की लंबी आयु हो, अच्छी सेहत रहे। क्या आपको लगता है कि उनके परिवार वाले खुद संजीदा नहीं उनके सेहत को लेकर, इसलिए घर से इस तरह की चीजें भेजी जा रही है? सारे मिलकर ही फ्रॉड कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, जब सुनीता केजरीवाल जी ने चिट्ठी वाला फ्रॉड किया था, तब भी तो मिलकर ही फ्रॉड करते हैं हस्बैंड वाइफ। अब उसके बाद आजकल चिट्ठी आनी बंद होगी, क्योंकि पता चल गया कि ये ऑफिस ऑर्डर वाला फ्रॉड कर बैठे हैं। तो ये आपस में घर में मिलकर ही पहले भी फ्रॉड करते थे, अब जेल में और घर में मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुनीता जी को इस बात की जानकारी नहीं, सुनीता जी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर वो चीजें भेज रहे हैं जिससे उनकी सेहत बिगड़े, फिर वो मेडिकल रिकॉर्ड लेके जेल का और जाएं कोर्ट में और कोर्ट से बेल लेके बाहर आए। लेकिन ये नौटंकी नहीं चलेगी, सुनीता जी, अरविंद केजरीवाल जी, आपका फ्रॉड एक्सपोज हो चुका है, अब ये नौटंकियां नहीं चलेंगी। और अगर आपकी सेहत खराब थी तो फिर आज पिटीशन विड्रॉ क्यों कर लिया आपने, जब चोरी पकड़ी गई तो। आपने सुनीता केजरीवाल का नाम लिया, जैसे उनको स्टार प्रचारक बनाया गया लोकसभा चुनाव के लिए, गुजरात के लिए। अब सूचना आ रही है कि वो झारखंड से पहला प्रचार अभियान जो है अपना शुरू करेंगी। स्टार प्रचारक के तौर पर सुनीता केजरीवाल झारखंड जाने वाले, पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां जाने वाले। हालांकि गठबंधन में अगर बात करें तो सीटें उनको वहां पर नहीं मिली, उसके बावजूद भी प्रचार करने पंजाब के मुख्यमंत्री और सुनीता केजरीवाल। देखिए, सुनीता जी को अरविंद केजरीवाल जी इसलिए भेजना चाह रहे हैं, उनको एक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो चाहते नहीं हैं कि संजय सिंह वगैरह उनके आड़े आएं और सुनीता जी मुख्यमंत्री ना बन पाएं, इसलिए अब उनको चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना एमएलए साथ दे रहे हैं, ना संजय सिंह जब से जेल से बाहर से आए हैं वो सुनीता जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी कोशिश करेंगे, कभी स्टार प्रचारक नाम से, कभी किसी तरीके से, पर मैं नहीं समझता कि ना कोई एमएलए साथ देगा, और खास तौर पर संजय सिंह जब से जेल से बाहर हैं वो सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे।